हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज मैंने फिर से मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी बिटवीन विराट कोहली और अनुष्का शर्मा लिया है। इसके पहले का मैंने आप लोग को बना कर दिया था कायरा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिनकी नई नई साथी हुई, दोनों फिल्म स्टार हैं और ये दोनों जोड़ी भी उनकी तरह ही उनसे भी ज़्यादा हॉट जोड़ी है और दोनों ही बहुत ही सफल। अनुष्का शर्मा तो टॉप की हीरोइन थी 2-3 साल पहले तक, है ना। विराट कोहली को खैर सब जानते, किंग ऑफ क्रिकेट और न्यू गॉड ऑफ क्रिकेट विराट कोहली को माना जाता है ना। हमारे यहाँ 3-3 गॉड है क्रिकेट के। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, उसके बाद रोहित शर्मा को सेकंड गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, विराट कोहली का न्यू गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, जैसे जनरल नॉलेज भी है। और अनुष्का शर्मा टॉप की हीरोइन थी, है ना, 2-3 साल पहले तक, विराट से शादी हो जाती है, रेस्ट इज हिस्ट्री सब जानते हैं। आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है। कि शादी में 4-5 चीज़ें होती है, उसमें ब्रेकअप होता है, लव, रोमांस, सेपरेशन, चीटिंग, फ्रॉड, है ना, ये सब चीज़ें मैरिज कॉम्पिटिबिलिटी में देखी जाती है कि क्या उनका शादी टिकेगा नहीं टिकेगा, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होगा या नहीं होगा। जैसे कायरा और उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा मैंने बताया, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और ये सब वीडियो न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी है, और अपना खुद का अगर शादी करने जा रहे हो या आपका बेटा बेटी का शादी होने वाला है तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये भी जानने को मिलेगा कि आपको आज ही अपना और अपने परिवार की न्यूमरोलॉजी क्यों कराने की जरूरत है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि वाई ऑनलाइन पेड न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी, मुझसे न्यूमरोलॉजी कराना है और आचार्य जैसे एस्ट्रोलॉजी कराना है। आजकल हम दोनों ही टाइप करके रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ दिया हुआ है, वहाँ पढ़िए समझिए, नहीं समझिए तो कॉल करिए, मैसेज छोड़िए। और अगर उसके साथ साथ लाखों लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, लर्न भी करना चाहते हैं, अर्न भी करना चाहते हैं, तो न्यूमरोलॉजी कोर्स सीख लीजिए। मिनिमम 60,000 से 15 लाख रुपये पर मंथ कमाइएगा 5 साल के अंदर, इसमें गारंटी वारंटी। माध्यम मैं हूँ, देने वाला ऊपर वाला राधे कृष्ण है, उन्हीं की कृपा से मेरा 100% 60 प्रेडिक्शन ऑनलाइन सही हो चुका है 6 मंथ के अंदर। मैं यूट्यूब पर पहला न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जिसका इतना प्रेडिक्शन सही है, जिसमें जनरल, क्रिकेट, बिजनेस, पॉलिटिकल, बॉलीवुड, हॉलीवुड जो भी है सब प्रेडिक्शन उसमें शामिल है, वो 60 प्रेडिक्शन सही हो चुका है ऑनलाइन। इसका मतलब ये है कि मैंने साबित कर दिया है कि 24 साल के अंदर मैंने 50,000 लोगों का जो मैंने किया है न्यूमरोलॉजी, इन सब कैटेगरी में वो सब 100% सही है उनकी कृपा से। चलिए बताते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत समय लग जाएगा इसको एक्सप्लेन करने में। तो सबसे पहले विराट कोहली अनुष्का शर्मा कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, लव रोमांस से। कोई भी चीज़ जो स्टार्ट होता है लव रोमांस से शुरू होता है, वो परवान चढ़ता है, फिर वो शादी तक बात पहुँचती है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि लव रोमांस का नंबर है कि नहीं है। तो लव रोमांस का नंबर कैसे समझ में आता है, मैंने वीडियो भी बनाकर दिया आप लोगों को, जरूर देखिएगा। वो नेम न्यूमरोलॉजी से पता चलता है सबसे पहले कि दोनों का नेम न्यूमरोलॉजी का वाइब्रेशन है कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि दोनों का नेम न्यूमरोलॉजी का फर्स्ट नेम 14 पे है विराट का, और अनुष्का का भी देखिए 23 पे है। तो फर्स्ट नाम ही इसका हो गया फर्स्ट क्लास हो गया, है ना, क्योंकि सेम नंबर पे होता है। तो बहुत अच्छा वाइब्रेशन, मेंटल वाइब्रेशन हो गया, दोनों का प्यार परवान चढ़ा। पहले तो लव हुआ, फिर रोमांस हुआ, है ना। लव अलग चीज़ होता है, रोमांस अलग चीज़ होता है। लव होने के बाद हो सकता है 1-2 साल के अंदर खाली फिजिकल रिश्ता हो, फिर टूट जाए, लेकिन अगर फिजिकल रिश्ते के साथ साथ वो परवान चढ़ता गया और उसमें स्टेबिलिटी बनती चली, उसको रोमांस बोलते हैं ना, जो कि 5-7 साल तक चलता है। तो दोनों का बहुत मैचिंग हो गया, दोनों का टोटल नंबर विराट कोहली का 5 नंबर पे आया और अनुष्का का देखिए 3 नंबर पे आया, जो कि न्यूट्रल नंबर है, मतलब ज़्यादा बुरा नहीं है। इसको न्यूट्रल नंबर हम लोग बोलते हैं लव रोमांस में, इसलिए वो बना रहा, लव भी बना रहा, रोमांस भी बना रहा। अब जो है मेन है सेपरेशन, डिवोर्स, जिसको डाइवोर्स भी आप लोग बोलते हैं, चीटिंग, फ्रॉड, एक्स्ट्रा मैरिटल, क्या वो होगा या नहीं होगा, शादी चलेगी या नहीं चलेगी, अगर नहीं चलेगी उसका क्या उपाय, वो सब इसमें अभी पता चलेगा आपको, जैसा कायरा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के वीडियो में बताया है। अब है डेट ऑफ बर्थ विराट कोहली का, डेट ऑफ बर्थ विराट कोहली 3-4 महीने छोटे हैं अनुष्का से, है ना। अनुष्का 1 मई की है, ये नवंबर के हैं, ठीक है। तो विराट का 5/11/1988 है। फिर से देखिए 5 नंबर आ गया, ड्राइवर नंबर, 6 नंबर कंडक्टर, जिसको कि हम लोग साइकी नंबर, डेस्टी नंबर बोलते हैं, मतलब मूलांक, भाग्यांक बोलते हैं। भाग्यांक मतलब सारे डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के जो नंबर बनता है वो भाग्यांक होता है। ये फर्स्ट नंबर होता है जैसे बर्थडे मनाते हैं हर साल, वो मूलांक होता है, ठीक है। उसी तरह से अनुष्का का भी है 1 नंबर और 5 नंबर पे। मजेदार बात क्या है, विराट का ये मूलांक 5 नंबर, इनका 5 नंबर भाग्यांक, जिसको हम लोग कंडक्टर नंबर बोलते हैं, और इनका 6 नंबर है डेस्टिनी, इनका 1 नंबर है ये। इसका मतलब है कि एक अच्छे दुश्मन नंबर हुआ, दुश्मनी होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों दुश्मनी नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ मतभेद होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, मनभेद नहीं होगा, ठीक है ना। और इससे कैसे पता चलेगा ये चीज़, अब ये दूसरों ग्रेड से पता चलेगा कि क्या इनकी शादी सच में आगे बढ़ेगी, चलेगी या नहीं चलेगी, है ना, कितना दिन तक चलेगी। जैसे मैं पहले वाली वीडियो में बताया कायरा और उसका सिद्धार्थ का, कि जीवन भर उनका शादी टिका रहेगा,
कहीं भी बीच में नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा वो वीडियो जरूर देखना, पता चल जाएगा कि उनके लोसो किट में क्या क्या नंबर है। अब चलिए इनका लोसो किट बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, पांच नंबर है यहाँ पर, सिंगल पांच आएगा क्योंकि इस कंपाउंड नंबर में नहीं, कंपाउंड नंबर में आता तो कंपाउंड नंबर का नंबर भी, फिर उसको जोड़कर रिड्यूस करके सिंगल नंबर में लेते तो वो भी नंबर आता, लेकिन वैसा नहीं है, सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर है। लेकिन यहाँ पे दो बार टू वन है तो दो बार वन आएगा। यहाँ पे जो लोसो किट ओरिजिनल उसी को लेंगे, जहाँ जहाँ पे जो नंबर वही नंबर वहाँ पर लिखा जाएगा, है ना, सेम टू सेम। ये हमारा सूर्यंत्र है, 10,000 साल पुराना चीज़ है, जिसको चाइनीज लोगों ने कट कॉपी पेस्ट करके अपना बना लिया। एनी वे हम उस पर नहीं जाएंगे। एक वन नंबर हो गया, अब फिर से वन आ गया यहाँ पे, ट्रिपल हो गया, अब नाइन हो गया, डबल एट हो गया, एट एट आ गया, सिक्स हो गया। विराट के पास ना ही चार है, ना ही तीन है, ना ही दो है, ना ही सात है। मजेदार बात देखो, उसके बाद वो क्रिकेट स्टार हैं, वो भी उतने बड़े फेमस क्रिकेट स्टार जिनके पास दो सात है ही नहीं, सिर्फ छः नंबर के दम पे चार भी नहीं है उनके पास, ऐसा कैसे संभव हुआ वो मैं बताऊंगा अभी आपको। अब चलते हैं अनुष्का का देखते हैं, इनका भी एक कंपाउंड नंबर बने तो एक का एक आएगा। ये पांच नंबर बीच में है, पांच नंबर बीच में आ गया भाई, वन नंबर फिर से आ गया, नाइन आ गया, एट डबल एट इनके पास भी है ना, और ये पांच नंबर डबल फाइव हो गया है इनके पास भी। देखिए जबरदस्त है ना लोसो किट, दोनों हस्बैंड वाइफ के पास, इनके पास भी चार नहीं है, इनके पास भी चार नहीं है। मजेदार बात देखिए, फिर भी दोनों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लोसो किट यहाँ पे फेल हो जाता है एकदम। इनके पास ये दो नंबर नहीं है, फिर ये भी दो नंबर नहीं है, फिर भी शादी ब्याह हो गया एकदम टाइम से हो गया, एकदम अर्ली मैरिज हो गया, जैसा जिसको कहते हैं। तीन नंबर नहीं है, यहाँ भी तीन नंबर नहीं, इसके दोनों पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, वेरी सिंपल। जिनके पास तीन और सात नहीं होता, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। और जब सात नंबर दोनों में मिसिंग हो जाए तो पढ़े लिखे ना होने के साथ साथ बच्चों से दूरी बना रहेगा, बच्चों को हॉस्टल में रखेंगे, बच्चों को विदेश में रखेंगे, अपना दोनों में मियाँ बीवी साथ में रहेंगे, प्लस दो और सात अगर नहीं है, दोनों के क्रेडिट में नहीं है, तो शादी विवाह टिकता नहीं है, फिर वो शादी विवाह टूट जाता है। वो किस ज़्यादा ज़्यादा दो साल, पाँच साल, सात साल तक चलेगा, उसके बाद तो टूट जाएगा। लेकिन इस शादी विवाह को हम टूटने नहीं देंगे, क्योंकि हमें ये जोड़ी बहुत पसंद है, इसको हमको न्यूमरोलॉजी उपाय बताएंगे और ज़बरदस्त उपाय बताएंगे, एकदम सिंपल उपाय। अगर ये लोग इस वीडियो को देख रहे हो या उनके तक पहुंच जाता है या पहुंचा देते हो आप लोग, तो सुपर डुपर उपाय, एकदम सिंपल उपाय, जो जिंदगी भर इनको जोड़ कर रखे, कभी नहीं टूटेगा। अब देखिए दोनों के पास आठ, ट्रिपल वन, सिक्स इनके पास है, विराट के पास, इनके पास सिक्स भी नहीं है। मजेदार बात है कि अनुष्का के पास 276 नहीं होने के बावजूद भी ये हीरोइन बन गई, ये मिरेकल से कम नहीं है, जो कि किसी कीमत पर नहीं हो सकता न्यूमरोलॉजी में, जिसके पास 276 ना हो और वो हीरो हीरोइन बन जाए और इतने टॉप पे पहुंच जाए, टॉप की हीरोइन बन जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब है कि यहाँ पे 951 का बन गया ग्रेट, जो कि विल प्लान है, जो राजयोग देता है, डबल एट श्रीदेव का बन गया, यहीं पे आकर न्यूमरोलॉजी एक स्टेप पीछे चला जाता है एस्ट्रोलॉजी से। इसका मतलब ये है कि अनुष्का के ये चार नंबर और छः नंबर जो है, शुक्र ग्रह का नंबर जो है, जिसको वीनस की देवी कहा था, वो बहुत बलवान है, जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बताता है कि ये कारक है, मारक है, उच्च का नीच का है। तो मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का जानकारी है, तो उसके बेस पे मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बलवान है, इसलिए इसको फिल्म स्टार बनाया, नहीं तो दो सात अच्छे जिसका मिस हो जाए वो किसी कीमत पे फिल्म स्टार नहीं बन सकता। अब बन भी गया तो अनुष्का शर्मा जैसी टॉप के स्टार नहीं बन सकता, गारंटी वारंटी के साथ। उसी तरह से विराट के साथ ये 27 मिस हो गया, है ना, किसी कीमत पे स्पोर्ट्स स्टार नहीं बन सकता था, सिर्फ 6 नंबर के दम पे। इसका मतलब इनका चार अच्छे, अनुष्का की तरह दोनों का बलवान है इसका मतलब। तो वैसे ही शादी नहीं टूटेगी अगर ये दोनों बलवान है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो पहला कारण। और विराट कोहली बैट्समैन ही क्यों बना, क्योंकि इनको डबल एट है, डबल एट वाला एक्सीलेंट बैट्समैन बनता है, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा भी सचिन तेंदुलकर का, जिसने भी जो रिकॉर्ड उनको उन्होंने बनाया है। इसलिए विराट कोहली टेक्निकल बैट्समैन नहीं है, क्योंकि चार नंबर इनका मिसिंग हो गया। विराट कोहली बॉलर नहीं बन सकते, फास्ट बॉलर नहीं बन सकते, स्पिनर नहीं बन सकते किसी कीमत पे, है ना, वो एक बहुत अच्छे डिसीजन मेकर भी नहीं है, एज ए कैप्टन उनका बड़ा परफॉर्मेंस खराब रहता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से अब कहा जा सकता है कि इनकी शादी अगर इस बेसिस पे जाएंगे तो 7 साल मैक्सिमम चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी ऐसा कहता है। लेकिन हमारी बहुत अच्छी, मतलब दोनों ही बहुत अच्छी जोड़ी हैं, और हम लोग, मैं भी इन दोनों को बहुत पसंद करता हूँ, अनुष्का को एज ए हीरोइन और विराट को एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, है ना। तो इसलिए मैं इनको उपाय बताऊंगा, और वो उपाय आप लोगों के लिए भी, अगर ऐसा आपके जीवन में है, ऐसा ग्रिड बन रहा है, तो वो उपाय आपके लिए भी। अगर 2-7 मिसिंग हो गया तो 2-7 का बहुत सिंपल उपाय है, शिव जी को घर में और मंदिर में जहाँ भी जगह मिले शिवलिंग खरीद लीजिए, एक छोटा सा 50 रुपये का स्टील के कटोरे में रख दीजिए, और एक स्टील का एक लोटा ले लीजिए, छोटा सा ग्लास ले लीजिए, उसमें
पानी में मधु मिलाकर, हनी मिलाकर रोज 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के उस पानी को डाल देना है, और रोज सुबह उसको जाके फिर दूसरे दिन तुलसी के पौधे पे ये कर देना है, डाल देना है, खाली कर देना है। और उसके पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले सूर्यदेव को जल देना कंपलसरी है। इसका उपाय करने के 2 and 7 का उपाय करने के लिए सूर्यदेव को जल देना कंपलसरी है। उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना कंपलसरी है 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के, उस जल में मधु मिला हुआ होना कंपलसरी है, मतलब हनी मिलाकर। और एक उपाय है जो कि इस सिर्फ इस चीज़ को फुलफिल करेगा, 4 नंबर को फुलफिल करेगा, हनुमान मंदिर हर मंगलवार और शनिवार को शाम को 7 बजे के बाद जाना है, और उनको 2 लड्डू चढ़ाना है, लड्डू ला के प्रसादी अपने खाना है, अपने बीबी अपने परिवार के लोगों को खिलाना, जो भी अपने आपके साथ रहते हैं उनको खिलाना है। इस उपाय को लेकिन आपको जिंदगी भर करना है, तभी ये शादी टीका रहेगा, नहीं तो शादी टूट जाएगी फिर 7 साल के बाद, क्योंकि आपके दोनों के पास ये दोनों ग्रिड नहीं है। कितना भी ये स्ट्रांग, अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो शादी विवाह वाला पार्ट जो होता है टूट जाता है, बच्चे फिर सेपरेट हो जाते हैं, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, विदेश में रहते हैं। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लें उतना अच्छा है। इसीलिए जो अभी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी समझ में आ गया होगा, पैसा अगर कोई मिसिंग है आप दोनों केस में, तो आज आप लोग वो उपाय शुरू करिए जो मैंने बताया। सिर्फ छोटा सा उपाय है, फिर से रिपीट कर दूँ, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना हनी मिलाकर, 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के हनुमान मंदिर जाना, बजरंगबली टेंपल जाना है ना, हर मंगलवार शनिवार को शाम को 7 बजे जाकर 2 लड्डू चढ़ाइए, नहीं चढ़ा सकते हैं कम से कम प्रणाम करके आइए, बस माथा टेक के आइए, यही उपाय है इसका, वो जीवन भर वो करना है आपको। हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं भूलिएगा किसी भी कीमत पर, हनुमान चालीसा को और भागवत गीता को हमेशा अपने साथ रखिए, पति पत्नी का रिलेशन कभी नहीं टूटेगा, एकदम बना रहेगा, फर्स्ट क्लास बना रहेगा। और जो नेम वाइब्रेशन का जहाँ तक बात आती है, 5 नंबर पर नेम है, 6 नंबर डेस्टिनी है, ये 5 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 3 है, ये सब आपका नेम वाइब्रेशन सब सही है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका उपाय आपको जरूर करना है, इसमें कहीं चूक नहीं होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट देना नहीं भूलिएगा किसके किसके साथ ऐसा हो रहा है, और किसके ऊपर आप इस तरह की वीडियो बनाओ देखना चाहते हो वो जरूर मुझे फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कम से कम 500 से ऊपर वीडियो मिलेगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी क्लीनिंग।